हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, पता है किस बारे में? वो है आपके लोअर चेस्ट। काफ़ी सारे लोगों को मैन बूव्स, लूज लोअर चेस्ट के इश्यूज रहते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे। पांच ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जिम में जो करोगे उससे आपकी लोअर चेस्ट डेवलप होगी, टाइटन होगा मसल और एक अच्छा ब्यूटीफुल चेस्ट निकल के आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आप वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, इससे मिलती है हमें मोटिवेशन। और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सो भाई, पहला पॉइंट यहाँ पे आता है एक्सरसाइज सिलेक्शन। एक्सरसाइज सिलेक्शन समझाने के लिए मुझे ये हुडी को उतारना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। अब एक्सरसाइजेस को समझना बहुत ज़रूरी है लोअर चेस्ट की। अब देखिए, लोअर चेस्ट जो है कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, एक्चुअल में ये है आपका पेक्टोरलिस मेजर का एब्डोमिनल हेड। दिस पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ये एब्डोमिनल हेड है आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। अब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इसके ग्रो ना होने से, तो पहले आप समझो कि इसका फंक्शन क्या है। जब भी आपका हाथ, ये जो हाथ है ना, इसका एडक्शन होगा, वर्टिकल एडक्शन। एडक्शन मैंने आपको बताया था ना, एबडक्शन हाथ दूर लेके जाना, एडक्शन ठीक उल्टा, हाथ पास लेके आना। बॉडी की सेंटर लाइन के हाथ जब भी पास आएगा यूं, दैट मींस एडक्शन हो रहा है। और आपके लोअर चेस्ट का काम यही होता है। हालांकि पेक्टोरलिस पूरे मेजर का काम, आपका फंक्शन एडक्शन करना ही है, लेकिन जब आपका हाथ इस तरीके से नीचे की ओर आता है तो ज़्यादातर आपका एब्डोमिनल हेड यानी कि लोअर चेस्ट टारगेट होता है। अब कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज? सबसे पहली डिक्लाइन एंगल। देखिए, जब भी आप इस तरीके से डिक्लाइन एंगल पे लेट के, ठीक है, ये जो डिक्लाइन एंगल का बेंच होता है, हालांकि ये पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं है, प्रॉपर डिक्लाइन बेंच और नीचे होता है। अब जब डिक्लाइन एंगल आप लेते हो तो देखिए, आपका किसी भी तरह का प्रेसिंग या फिर फ्लाई वाला मूवमेंट कैसा बनता है। आपका हाथ जब आप प्रेस लगाते हो तो कहीं ना कहीं एल्बोज आपके इस तरीके से जाते हैं यूं, जो एक एंगल बनाते हैं आपके लोअर चेस्ट के साथ, ये स्ट्रेच, ठीक है, ये तरह का एंगल। अब जब आप फ्लैट लगा रहे हो तो फ्लैट में एंगल ऐसा नहीं बनता, फ्लैट में एंगल ये होता है, ठीक है। डिक्लाइन जब करते हो तो एंगल यूं हो जाता है। तो जब भी एंगल आपके एल्बोस का चेस्ट के साथ यूं बनेगा, तब तब आपका लोअर चेस्ट टारगेट होगा। सो डंबल प्रेसेस अगर आप लगा रहे हो डिक्लाइन में, तो आपका एंगल लोअर चेस्ट के साथ बनता है और पूरा का पूरा आपका लोअर चेस्ट टारगेट होगा। टॉप एंगल से अगर हम देखें, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, सो लोअर चेस्ट टारगेट हो रही है। इवन आप फ्लाई लगाएंगे तब भी यही होगा, लोअर चेस्ट, ओके। सो गाइज, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हार्मोनल बैलेंस को लेके। अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज लेवल पे रखने के लिए आपको एक सही डाइट ट्रेनिंग के साथ साथ सप्लीमेंट स्टैक में आप कपिवा हिमालयन शिलाजीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो मेल्स की मेंटल और फिजिकल वेलबींग को बूस्ट करता है, और साथ ही साथ ये आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ ये आपकी एनर्जी लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, और इसके अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये 100% ऑर्गेनिक है। कपिवा हिमालयन शिलाजीत का हर बैच लैब टेस्टेड है, ये GMP और FSSAI अप्रूव्ड है, तो आप इंश्योर रह सकते हैं कि इसमें कोई भी हैवी मेटल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि एक आम दिक्कत है शिलाजीत प्रोडक्ट्स के साथ। कपिवा शिलाजीत फल्विक एसिड कंटेंट में रिच है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है, साथ ही आपकी थकान दूर करने, हार्ट हेल्थ और आपके दिमाग को काम करने में भी आपकी हेल्प करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपकी सेक्सुअल वेलबींग और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक मटर के दाने के बराबर आप इसको मिक्स करके गर्म पानी में रोज ले सकते हैं फॉर 90 डेज टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है विद अ डिस्काउंट कोड, एंड ऑल्सो कपिवा इज रनिंग बाय वन गेट वन ऑफर फ्रॉम 12th to 16th February, चेक इट आउट। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो आपके लोअर चेस्ट को टारगेट करती है, वो है फ्लाइज केबल से। अब फ्लाई का एंगल देखो केबल में कैसे लगाओगे आप, यूजुअली क्या लगाते हो, ऐसे आगे की तरफ लीन करके, जो आपके ओवरऑल पेक्टोरलिस मेजर के एक्सटर्नल हेड, आपके यू नो क्लेविकुलर हेड, साथ ही साथ एब्डोमिनल, तीनों को ही ऑलमोस्ट टारगेट करते हैं। बट यहाँ पे हम एंगल चेंज करेंगे, एंगल होगा ये, सीधा आप खड़े होगे, वर्टिकल एडक्शन ऑफ द आर्म, दिस, ठीक है, नीचे की ओर आर्म को लेके जाना है। सेम वही प्रोटोकॉल हो रहा है जो आप डिक्लाइन में लगा रहे थे, डिक्लाइन में हाथ ऐसे आप थ्रो कर रहे थे पीछे की ओर, एल्बोज जब भी एल्बोज यूं जाएंगे ना, तो आपका जो ये एब्डोमिनल हेड है, लोअर पैक, ये ज़्यादा टारगेट होगा। सेम मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सी फोकस, ऑलराइट। सो ये रही दूसरी। नाउ तीसरी एक्सरसाइज है पैरेलल बार डिप्स।
ऑलराइट, सो पैरेलल बार डिप्स में भी सेम प्रोटोकॉल आप कर रहे हो, सेम आपका जो एल्बो है वो इस तरीके से आपके इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा जिससे आपके लोअर पैक्स को यानी कि एब्डोमिनल हेड को ज़्यादा टारगेट महसूस होगा। सी, जब भी आप इस तरीके से यूं ये परफॉर्म करते हैं तो आपका लोअर पैक्स यानी कि एब्डोमिनल हेड टारगेट होता है। सो ये तीन एक्सरसाइजेज जब भी आप करोगे तो आपके लोअर हेड को ज़्यादा टारगेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस। अब देखिए, इतनी सारी एक्सरसाइजेज मैंने आपको लोअर चेस्ट की बताई, तो यूज़ करो इनको। अगर आप बहुत टाइम से डंबल प्रेसेस लगाने में ही हो या फिर बारबेल प्रेसेस लगाने में हो तो चेंज द टूल, आप यहाँ पे केबल फ्लाइज लगाइए, या केबल फ्लाइज अगर आप बहुत टाइम से लगा रहे हो तो पैरेलल बार डिप्स लगाओ। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। आपके मसल हमेशा यूज्ड टू हो जाते हैं अगर आप सर्टन टूल से ही लगातार एक्सरसाइजेस कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू शॉक द मसल विद डिफरेंट टूल्स। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि प्रायोरिटी आपको अपने देने ही है अपने लोअर पैक्स को। अगर आपका लोअर पैक वीक है, आपको इश्यूज़ हैं लोअर चेस्ट डेवलप ना होने के, सो पहले उसे हिट करो। जब भी आप जिम में आते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्लैट बेंच प्रेस से स्टार्ट करने की। आप आइए जिम में, आप डिक्लाइन प्रेस लगाइए, डिक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन बारबेल प्रेस, या फिर इवन केबल से स्टार्ट कर सकते हो। आप पैरेलल बार डिप से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो प्रायोरिटी दो अपनी वीक मसल्स को, तब वो ग्रो करेगा। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे, ट्राई मोर वेरिएशंस। जब भी आप किसी भी मसल को ग्रो करने की बात करते हो तो वो मसल को ज़्यादा अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। सेम गोज विद लोअर पैक्स। जब भी आप लोअर पैक्स को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ एक एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, ट्राई मोर वेरिएशंस। यानी कि अगर आप टोटल चेस्ट की एक्सरसाइजेज में चार एक्सरसाइजेज या पांच एक्सरसाइजेज कर रहे हो तो एटलीस्ट दो एक्सरसाइज अपने लोअर चेस्ट को टारगेट करने वाली दो। यानी कि अगर आपका वीक है चेस्ट तो आप एक डिक्लाइन प्रेसेस लगा लिया आपने, उसके साथ आपने एक केबल फ्लाई दे दिया या फिर डिप्स दे दिए, तो ये दो वेरिएशन आपके ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली आपके लोअर पैक्स को ही टारगेट करेंगे, जो उसको ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट, फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोजिंग। जैसे कि मैं आपको हर बॉडी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, हर हेड के बारे में बता रहा हूँ कि पोजिंग करना कितना ज़रूरी है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द न्यूरल एक्टिवेशन। यानी कि जो मसल एंड माइंड कनेक्शन है वो आपका डेवलप होता है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो दुनिया में जो मसल ग्रो कर पाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, दे हैव अ ग्रेट न्यूरल एक्टिवेशन इन देयर सिस्टम। सो कैसे डेवलप होता है वो? जब भी आप पोज करते हो तो आपका मसल के साथ आप फील कर पाते हो उस मसल को अपने दिमाग से, यानी कि उस मसल में का कॉन्ट्रैक्शन, इंटरनल टेंशन डेवलप कर पाते हो जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट। सो अगर लोअर चेस्ट आपका वीक है और आप चाहते हो कि उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, न्यूरल एक्टिवेशन बढ़े आपका, तो बहुत सारे पोजेज आप कर सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ देम इज मोस्ट मस्कुलर पोज। जब आप मोस्ट मस्कुलर पोज कर रहे हो तो बेसिकली आप फ्लाई कर रहे हो। सी, सेम फ्लाई मूवमेंट है, फ्लाई मूवमेंट परफॉर्म किया आपने एंड देन होल्ड। पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट होल्ड दिस पार्ट, ठीक है? आप जब होल्ड करोगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो अपने लोअर चेस्ट को यूं, ठीक है? अब होल्ड करके रखना है, फील करना है एटलीस्ट 4 to 5 seconds, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ आपका जो टेक्निक होगी मसल को यू नो टारगेट करने की वो ज़्यादा ग्रो हो पाएगी। सो जब भी आप एक्सरसाइजेस करोगे तो इस फील के साथ करोगे। सो पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप ये साइड चेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? साइड चेस्ट जब आप करते हो यूँ तो यू कैन फील द मसल, ये मसल आप फील कर सकते हो, ये मसल आप फील कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू डू इट। सो ये जितने भी आपके पोजेस हैं हेल्प करते हैं आपको न्यूरल एक्टिवेशन को बढ़ाने में। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारे पॉइंट्स लोअर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड जीत सलाल साइनिंग ऑफ।